अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद का मुताला करें तो पहले पारे से लेकर आखिरी पारे तक फरिश्तों का तस्किरा मिलता है। फरिश्ते क्या हैं, किस चीज़ से पैदा किए गए हैं, इनकी तख्लीक का क्या मकसद है और इंसान से इनके ताल्लुक की बुनियादें क्या हैं। इसी तरह फरिश्तों से मुताल्लिक बहुत सारी तफसीलात मैं आपसे फरिश्ता प्लेलिस्ट में भी शेयर कर चुका हूँ। द बॉटम लाइन इस के बहैसियत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान लाना और इनकी मौजूदगी को तस्लीम करना ज़रूरी है। जिस हैसियत से कुरान मजीद ने इन्हें पेश किया है उसी तरह इसे कबूल करना। अच्छा, मुशरिकीन ने मक्का के यहाँ भी फरिश्तों का वजूद जो है वो मौजूद था, मगर वो इन्हें अल्लाह की बेटियाँ माज़ अल्लाह जो है वो तसव्वुर करते थे और कुरान मजीद ने इस तसव्वुर की नफ़ी भी की है। फरिश्तों के वजूद को तस्लीम करना ईमान बिल मलाइका कहलाता है। कुरान करीम में मलक सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है और मलाइका उसका प्लूरल है। अच्छा, इसी तरह जो है आप कुरान करीम का अगर मुताला फरमाएं तो अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कि लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलकिन्नल बिर्र मन आमना बिल्लाहि वल-यौमिल आख़िर वल-मलाइकति वल-किताब वन-नबियीन। तो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों पर ईमान लाने का इस आया मुबारक में ज़िक्र किया है उसके अंदर अल्लाह पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना और मलाइका पर, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के नबियों पर। तो बहरहाल इस फहरिस्त में मलाइका का भी हमें ज़िक्र मिलता है। इसी तरह सूरतुन निसा में आ जाएं तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल व मन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आख़िर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने यह ज़िक्र किया है कि यहाँ पर जो इस बात से इनकार करेगा, जो इस बात से कुफ्र करेगा कि अल्लाह है, उसके मलाइका हैं, उसकी किताबें हैं, उसके रसूल हैं और यौम आख़िरत है, तो वो बेशक गुमराह हो गया। तो मलाइका के माना जो हैं वो पैगाम रसा और कासिद के हैं। ये खालिक और मखलूक के दरमियान कासिद हैं। कुरान मजीद ने मुतअद्दिद मकामात पर इनको रसूल भी कहा है, जैसा कि सूरतुल हज में आता है कि अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रसूलन व मिनन नास इन्नल्लाहा समीउन बसीर, कि खुदा फरिश्तों में से अपने पैगम्बर मुंतखब करता है। अच्छा, फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह के बताए हुए कामों पर मुतायन हैं। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है कि वक़ालु अत्तख़ज़ अर-रहमान वलदा सुभानहु बल इबादुन मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिल-क़ौली वहुम बिअम्रिही यअमलून। इसी तरह जो है फरमाता है कि भाई वो तो अल्लाह के लिए औलाद चुनते हैं। याद रखो कि अल्लाह ताला तो इस चीज़ से पाक है, बल्कि वो तो अल्लाह के बंदे हैं और वो जब भी उन्हें कोई हुक्म दिया जाता है तो उसे बजा लाते हैं, फरमा बरदार हैं और जो हुक्म दिया जाता है उसके पूरे करने पर कारबंद हैं। तो इसकी नाफरमानी नहीं करते, सरकशी नहीं करते, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। बहरहाल तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कुरान करीम में मलाइका का ज़िक्र भी है, मुतअद्दिद मकामात पर उनके कामों का भी ज़िक्र है, इनकी तख्लीक कब हुई? कुरान करीम के मुताले से मालूम होता है कि फरिश्तों की तख्लीक इंसान यानी बशर से पहले हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की जसद खाकी या इस तख्लीक का ज़िक्र मलाइका के सामने रखा तो उस वक्त यानी कि मलाइका मौजूद थे, तभी तो फरमाया ना। सूरह बकरा में जैसे आता है وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ। तो आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की खिलाफत के लिए जब अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया तो फरिश्तों के सामने ये बात रखी और फिर वो बड़ी तफसील मौजूद है जिसको हम पहले भी बड़ी तफसील से जो है वो क़ससुल अंबिया में ज़िक्र कर चुका हूँ और फिर फ़रिश्तों की तख्लीक के ज़िमन में भी आपके साथ अर्ज कर चुका हूँ। तो एनीवे,
تو تخلیق آدم کے وقت ملائکہ موجود تھے. اب فرشتوں کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اچھا, فرشتوں کی قد و قامت اور جسمانی شکل و صورت, تو اس ضمن میں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں بھی بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے, کچھ کے دو, کچھ کے تین, اور کچھ کے ایسے بھی ہیں جن کے 600 بازو ہیں. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاثا ورباعا یزید فی الخلق من یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اجنحتن, ان کے پروں کا ذکر کیا ہے کہ بھئی کسی کے دو ہیں, کسی کے تین ہیں, کسی کے چار ہیں. اللہ کی مرضی کسی کو زیادہ بھی عطا فرما دے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی عظیم جسمانی حیت و قد و قامت کو بیان فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جب ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. ہر پر نے افق کو گھیر رکھا تھا. ان کے پروں سے مختلف رنگ اور ہیرے اور موتی یہ بکھیر رہے تھے, جیسا کہ مسند امام احمد میں بھی آتا ہے. پھر اسے ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی ذکر کیا ہے. اچھا, اسی طرح وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت ملی ہے کہ میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس کے کان کی لو سے اس کے مونڈے تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت کے برابر ہے. پھر سب سے عظیم اور بڑی مخلوق رحمان کا عرش ہے. یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں نا, بھائی کیا سب سے بڑی مخلوق رحمان کا عرش ہے؟ تو بے شک سب سے بڑی مخلوق رحمان کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کو اس کی عرش کی صفت قرار دیا ہے. رب العرش العظیم جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا فرمائی ہے, تو ذو العرش المجید جیسے سورہ بروج میں آتا ہے. اچھا, عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا, کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار بھی پڑھتے رہتے ہیں. اچھا, آخرت کے دن عرش کو اٹھائے فرشتے یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو 8 کی تعداد کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ 8 کی تعداد میں فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. تو فرشتوں کے جو اعضائے جسمانی ہیں, مختلف آیتوں اور حدیثوں سے فرشتوں کے بعض عضو جسمانی کا ہمیں پتہ چلتا ہے, لیکن ان کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. کہ جیسے فرشتوں کے ہاتھ کا ذکر ہے کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اور جب یہ ظالم اس وقت جب کہ موت کی سختیوں میں ہوں گے, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ, اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے, تو ان کے ہاتھوں کا ذکر آ گیا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے, لیکن جب واپس لوٹتے ہیں تو دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر تم لوگ ہر وقت ویسے ہی ہو جاؤ جیسا کہ میرے پاس موجودگی کے وقت ہوتے ہو, تو فرشتے اپنی ہتھیلیوں سے تم سے مصافحہ کریں اور تم سے ملنے تمہارے گھروں میں پہنچیں. تو مسند امام احمد میں یہ روایت آتی ہے, درجہ صحیح کی روایت ہے, تو ان کی ہتھیلیوں کا ذکر بھی ہمیں مل گیا. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت ملی ہے کہ میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے, اس کے کان کی لو سے مونڈے تک کا فاصلہ 700 برس کا ہے. پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے روایت ذکر کی, دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ
फरिश्तों के कान का और कांधे का भी जिक्र हमें मिल गया। अच्छा, फिर हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई साहिब सूर यानी इसराफ़ील अलैहि सलाम जब से इस काम पर मुतय्यन हुए हैं, इनकी नज़रें अर्श पर टिकी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी निगाह कहीं और हो और इन्हें सूर में फूंकने का हुक्म दिया गया हो, तो गोया इनकी दोनों आंखें जो हैं वो चमकते सितारे हों। तो यहाँ पे उनकी आंखों का जिक्र हमें मिल गया मुस्तदरक इमाम हाकिम की रिवायत में। अच्छा, इसी तरह कुरान करीम में फ़रिश्तों के बारे में ये भी है कि बाज़े खूबसूरत भी हैं और बाज़े डरावने हैयत के भी हैं। कि अब फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने मजमूई तौर पर खूबसूरत और वजी पैदा की, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुन नज्म में कि अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। अब यहाँ पर ज़ू मिर्रा से मुराद वजी और ख़ूबसूरत है। इसी तरह ज़ू मिर्रा का मतलब कवि और ताकतवर भी होता है, यानी फरिश्ते ताकतवर भी हैं और हसीन और जमील भी हैं। नेक इंसान की रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्तों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक इंसान के पास ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की मानिंद रोशन होते हैं। ये मुसनद इमाम अहमद की रिवायत है। और तिर्मिज़ी शरीफ में जो रिवायत आती है कि बाज़ फरिश्ते इंतहाई डरावने और हैबतनाक हैं, चुनाचे मुनकर नकीर के बारे में हदीसों में वारद है कि वो सियाह रंग हैं और इनकी आँखें नीली हैं, जो तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। अच्छा, इसी तरह इन्हीं फरिश्तों के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में भी आती है कि इनकी आंखें तांबे की देगचियों के बराबर और दांत गाय के सींग की तरह और आवाज़ बिजली की कड़की की तरह गरजदार है। और फरिश्तों की तादाद के मुताल्लिक़ कुरान और हदीस से पता चलता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात को है। तो इसलिए फरमाया वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, कि तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। अच्छा, फरिश्तों की कसरत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है जिसमें अल्लाह के नबी ने सातवें आसमान पर मौजूद बैतुल मामूर के बारे में बयान किया कि इसमें 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं, और एक मरतबा जो फरिश्ता नमाज़ पढ़ कर इससे निकल जाता है तो फिर कभी दाखिल नहीं हो पाएगा, उसकी बारी कभी आएगी नहीं। तो सही बुखारी की भी रिवायत है, सही मुस्लिम की भी रिवायत है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। अच्छा, इसी तरह हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान चरचरा रहा है, उसे चरचराने का हक़ भी है। इस वजह से, इस रीज़न से कि आसमान में कहीं चार उंगल भर, चार उंगलियों के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है मगर इस पर कोई ना कोई फरिश्ता अपनी पेशानी रखे हुए। ये सुनन तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा दोनों कुतुब हदीस में रिवायत आती है। अच्छा, इसी तरह फरिश्तों की रफ़्तार से मुतालिक ये कि दुनिया में सबसे तेज़ रफ़्तार रोशनी तस्लीम की जाती है, जो कि एक सेकंड में 186 मील की रफ़्तार से चलती है, 186 माइल्स पर सेकंड आप इसको कहते हैं। लेकिन फरिश्तों की रफ़्तार तो इससे भी कहीं ज़्यादा है, जो दुनिया में किसी भी आले से नापी नहीं जा सकती, जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग मसाइल दरियाफ़ करने तशरीफ़ लाते और वो अपने सवालात से फ़ारिग नहीं होते कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह से वही लेकर हुजूर के पास जवाब के साथ हाजिर हो जाते। अच्छा, फरिश्तों की मकसद क्या है भाई, इनके पैदा क्यों किया गया, ये भी एक सवाल पैदा होता है कि देखिए जी, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपनी इबादत और इताअत और फरमा बरदारी के लिए पैदा किया। फरिश्तों पर की तस्बीहात जो हैं उसी से आप अंदाज़ा कर लें कि वो अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, उसकी तहमीद तस्बीह करते हैं, उसकी नाफरमानी नहीं करते, हुक्म अदूली नहीं करते, सुस्ती कायली नहीं करते, उनमें नफ्स का मादा ही नहीं है, वो गफलत ही नहीं बरतते। और जहाँ तक उनकी ज़िम्मेदारियों और इख्तियारात का ताल्लुक है, तो देखिए ना, अल्लाह ताला ने बाज़ फरिश्तों को तो बारिश बरसाने, बाज़ को रूह निकालने, बाज़ को रूह डालने, बाज़ को आसमानों और बाज़ को ज़मीन पर होने वाले उमूर में जो है केयर टेकर बना दिया है, उनको हुक्म होता है, वो जाके वो काम कर देते हैं। अल्लाह ताला, अब याद रखें, इन चीज़ों को करने का अल्लाह ताला इन पर डिपेंडेंट नहीं है, माज़ अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, पर उसकी मर्ज़ी, उसने मखलूक़ बना दी है, उसके ज़िम्मे काम लगा दिए, वो अपने काम करते रहते। तो इसीलिए जो है, देखिए ना, आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी फरिश्तों का आना और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी आना, मेहमान बनकर आना, और इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम के पास आना, बहुत सारे और मामलात हैं जिसमें आप देखते हैं कि मलाइका आते हैं, फिर बीबी मरियम के पास
इसी तरह और अंबियाए कराम के पास भी आते रहे हैं, और गैर अंबिया में से आपको हज़रत बीबी मरियम का ज़िक्र मिलता है कि जिनके पास एक बशर की, एक इंसान की सूरत में आए। इसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कितनी दफ़ा इंसानी शक्ल में आए कि सहाबा ने भी देखा, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, फिर हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम, उनको भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आवाज़ देना जब इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक से जमजम का चश्मा फूटा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि मलाइका को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ अता की। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़्यादातर वही के लिए अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब फरमाया, और ये अल्लाह ताला के चार मुकर्रब तरीन फ़रिश्तों में से हैं। आप फरिश्तों के सरदार हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन फरिश्तों ने जंग में शिरकत फरमाई उनकी क़यादत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की। तो यहाँ से उलमा ने ये नुक्ता निकाला। अच्छा, शब कदर के मौके पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मईयत में फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। बाज़ रिवायत से पता चलता है कि सारी मखलूक में से हज़रत जिब्राईल आखिर में फ़ौत होंगे। मैं बड़ी तफसील के साथ ये फरिश्ते की जो प्ले लिस्ट है ना, उसमें मैं हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफ़ील, हज़रत इज़राइल और जो दीगर मलाइका हैं, बारिश के हो गए, ख्वाब के हो गए, मुख्तलिफ़ और फरिश्ते ना, उनके बारे में बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ। आपने जानना है तफसीलात तो आप वो प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। मसला यही होता है कि जब मैं आपसे बातें ज़िक्र करता हूँ तो लोग पलट पलट कर वही बातें मुझसे फिर पूछने लगते हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं। वो इतनी अगर आप मेहनत कर लें ज़रा कि जाके वो प्लेलिस्ट देख लें तो बहुत सारे सवालात के जवाब आपको वहीं मिल जाएंगे। लेकिन वही मसला है कि आजकल शागिर्द जो है वो उस्तादों से कहते हैं जी हलवे खिलाओ, ढूंढो भी आप, रिकॉर्ड भी आप करो, और उसके बाद जब रिकॉर्ड कर चुको हम कभी बाद में आएँ तो भी आपने दोबारा हमें बताना है, मेहनत हमने नहीं करनी कोई भी, प्लेट में रखा हुआ खाना खाएँगे बस, पकाने वकाने की बात ना करें। तो मेहनत नहीं करना चाहते लोग अब इस पर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो हर चीज़ कहते हैं जी हमें आप ही करके दें। तो जब कर चुका हूँ तो भाई कोई मेहनत करके आप भी उसे देख लें, ढूंढ लें, ये भी बता दिया कि इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, उस प्लेलिस्ट में आपने जाके देखना है। तो बहरहाल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी बड़ी तफसील से ज़िक्र मैं आपसे वहाँ कर चुका हूँ। अच्छा, इसी तरह एक रिवायत में ये भी आता है कि कुछ यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे कि हर नबी के पास अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता वही लेकर आता है, आपके पास कौन सा फ़रिश्ता आता है ताकि हम आपकी इत्तबा कर सकें। तो आपने फरमाया मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो वही है जो जिहाद व क़िताल का हुक्म लाता है, ये तो हमारा दुश्मन है, अगर आप मीकाईल का नाम लेते तो हम आपकी ज़रूर इत्तबा करते। और इस पर फिर कुरान करीम की वो आया मुबारक नाजिल हुई कि कुल मन कान अदू अल जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बि बिइज़्निल्लाह। जिब्राईल जो हुक्म लाता है अल्लाह के हुक्म से लाता है, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लाता। अच्छा, बहरहाल कुरान मजीद में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक रूहुल अमीन का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इससे सूरत शुरा में आता है। अच्छा, एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सबसे पहली आमद उस वक्त हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ारे हिरा में मौतकिफ़ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ़ थे कि एक फ़रिश्ता आपके सामने आ गया और कहा कि भाई पढ़िए। तो आपने फरमाया कि अब रिवायत से बड़ी तफसील के साथ ये रिवायत मैं आपके सामने पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मालूम यही होता है कि वो कुछ लिखा हुआ लाए थे जिसको पढ़ने का कह रहे थे, क्योंकि अगर सिर्फ बात ये होती कि मेरे पीछे रिपीट कीजिए तो वो इकरा का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करते। तो बहरहाल वो बड़ी तफसील से रिवायत है, तो वो मैं आपसे पहले सीरतुन्नबी के दुरूस में भी जिक्र कर चुका हूँ, और फिर सूरह अलक की इब्तदाई आयात नाजिल हुई, इसके बाद फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आमद होती रही। अच्छा, तौरात में अंबियाए बनी इसराइल के क़िस्सों में भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वाक़यात मौजूद हैं। इंजील में है कि रूहुल क़ुदस कबूतर की शक्ल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरे। अच्छा, सहाबा कराम में दहिया कल्बी एक सहाबी थे, बहुत हसीन खूबसूरत थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अक्सर इनकी सूरत में आया करते थे। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक मरतबा मैंने देखा कि दहिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ सामने बैठे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ भी शक ना हुआ कि ये दहिया नहीं है बल्कि ये तो जिब्राईल है। इतने में आपके खुतबे की आवाज़ सुनी, आप फरमा रहे थे कि अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। अच्छा, इसी तरह उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि तब मैं समझी कि दरअसल वो दहिया कल भी नहीं बल्कि जिब्राईल अमीन है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो है वो यहूदियत हो या ईसाईत हो, इनकी तहरीरों में आम पाया जाता है, इनके यहाँ नाम भी होते हैं ना, गेब्रियल, वो जिब्राईल को गेब्रियल कहते हैं, इसी तरह मीकाईल को माइकल कहते हैं।
तो उनके यहाँ भी बकसरत जो है ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, रिवायत में है कि शब मेराज में भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और फिर मुकाम सिदरतुल मुंतहा तक हम रकाब रहे, साथ रहे। अच्छा, हज़रत जिब्राईल की हकीकी सूरत आपने दो मरतबा उनको उनकी हकीकी सूरत में देखा। एक मरतबा तो उफ़क़ आलम है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हकीकी सूरत उनकी दिखाने की दरख्वास्त की, और दूसरी दफ़ा मौका मेराज। अच्छा, अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम की हकीकी सूरत की तौसीफ बयान करते हुए बाज़ ने कहा कि उनके 600 पर हैं और अज़मत के लिहाज से इतने बड़े हैं कि वो शर्क़ो ग़र्ब को ढांप लें, यानी मशरक से मगरब तक तमाम के तमाम चीज़ों को कवर कर लें। अच्छा, मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में भी तफसील से बता चुका हूँ, मुख्तसरन बता देता हूँ कि उनके ज़िम्मे पानी का बरसाना और खुदा की मखलूक को रोज़ी पहुँचाने का काम मुकर्रर है। बाइबल में भी उनका ज़िक्र आता है, दानियाल के बाब में और फिर और भी मुख्तलिफ मकामात पर। एनीवे, अब उसकी तफसीलात में तो हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल कुरान करीम में भी इसका ज़िक्र हमें मिलता है कि यहूदियों ने कुरान के मानने से इसलिए इनकार किया कि ये जिब्राईल की वसातत से नाजिल हुआ है, तो खुदा ने उसका जवाब यूँ दिया कि मन कान अदुव लिल्लाहि व मलाइकती व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फ़इन्नल्लाह अदुव लिलकाफ़िरीन। तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी हुज़ूर की खिदमत में कई बार हाजिर हुए मेराज के मौके पर। जो दो फरिश्ते आए थे वो जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह ग़ज़वा उहद में दो फरिश्ते दुश्मनों से आपकी हिफाजत करते थे, वो भी सही मुस्लिम में है कि जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। और बाज़ रिवायतों में है कि नबूवत के इब्तदाई 3 सालों में मीकाईल अलैहिस्सलाम आपके साथ रहते थे, साथ होते थे। बहरहाल इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उन्होंने उन्हें रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने उनका ये ज़िम्मेदारी सुपुर्द की है, और बेशुमार फरिश्ते लोग पूछते हैं कि वो इतने सारे लोगों की रूहें एक साथ कैसे कब्ज़ कर लेते हैं। इस पर मैं आपको बाज़ाब्ता एक दर्स दे चुका हूँ पहले कि दुनिया में तो कई अमवात एक साथ होती हैं, तो वो बुलाते हैं और रूहें खींची चली आती हैं, और फिर वो फरिश्ते अलग मामूर हैं जो एक एक के पास जाकर उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। ये उन फरिश्तों के हेड हैं। तफसीलात फिर उस दर्स में मौजूद है, आप सुन सकते हैं। अच्छा, कुरान मजीद में इसके बारे में काफ़ी दफ़ा जिक्र है मौत के फरिश्तों के बारे में, तो उसमें भी जिक्र हमें मिल जाता है। उनके मुआविन फरिश्ते भी फिर दो तरह के होते हैं, वो जो अहले ईमान की रूह बड़े आराम से निकालते हैं, और एक वो जो काफिरों की रूह बड़ी सख्ती से निकालते हैं। फिर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के बारे में एक अजीमुल मर्तबत फरिश्ता है, इनके ज़िम्मेदारी के बारे में मशहूर है कि क़यामत बरपा करने और फिर तमाम मुर्दों को ज़िंदा करने के लिए इन्हें सूर दिया गया है, बिगुल नुमा आला है जिसे वो अपने मुँह में लिए हुक्म इलाही के मुंतज़िर हैं। जब इन्हें हुक्म मिलेगा वो इसमें फूकेंगे और इससे फिर एक खौफनाक आवाज़ फैलेगी और फिर सब लोग मर जाएंगे। बड़ी तफसीलात इसकी मैं पहले दे चुका हूँ, तो जिन चीज़ों की तफसीलात पहले दे चुका हूँ उनके ऊपर इख्तिसारन बयान कर रहा हूँ। और कुरान मजीद में भी आता है वनुफ़िख़ फ़ि सूरी फ़सायक़ा मन फ़ि समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शा अल्लाह ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون। तो फिर दो सूरों का जिक्र यहाँ आपको सूरत ज़ुमर में मिल जाता है कि भाई पहले सूर से सब ख़त्म हो जाएगा सिवाय उसके जिनके जिन्हें अल्लाह रखना चाहे, और फिर दूसरे से फिर सब खड़े होंगे और फिर क़्यामत का मामला शुरू हो जाएगा। तो हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत भी हमारे सामने आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कैसे बेपरवाह हो सकता हूँ जबकि सूर वाले फरिश्ते ने सूर अपने मुंह में लिया हुआ है और अपनी पेशानी को झुकाया हुआ है और वो अपने कान लगाए इंतज़ार कर रहा है कि कब इसे हुक्म मिले और वो इसमें फूंक दे। तो बहरहाल इसका ज़िक्र जो है वो कुरान करीम में बकसरत मौजूद है। इसी तरह हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह ताला ने जिस फरिश्ते को जहन्नुम का दारोगा मुकर्रर फरमाया, इसका नाम भी कुरान करीम में आता है कि जो जहन्नुम में जाने वाले होंगे वो पुकारेंगे दारोगा को, जो जहन्नुम का दारोगा होगा मालिक। अच्छा, और भी फरिश्ते होंगे जैसा कि कुरान करीम में आता है कि 19 फरिश्ते जो हैं उसका जिक्र आता है कि अलैहा 19 सूरह मुदस्सिर में आता है। और फिर मालिक अलैहिस्सलाम को जब पुकारेंगे तो उसका जवाब भी देंगे। इस पर भी बड़ी तफसील पहले मौजूद है, इसलिए इस पर दोबारा बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, साथ ये भी बताता चलूँ, जब ये अलैहा 19 वाली आयत नाजिल हुई ना, तो कुरैश जो है ये मुशरिकीन जो है मक्का, ये इसका बड़ा मजाक उड़ाते थे। तो अबू जहल ने कुरैश वालों से कहा कि भाई क्या तुम में से हर 10 आदमियों का ग्रुप एक फरिश्ते के लिए काफ़ी नहीं होगा? तो इनमें से एक आदमी था, इसका नाम था कुलदा। उसने बड़ी उसको अपनी ताकत पे घमंड था। उसने कहा भाई तुम सब सिर्फ 2 फरिश्ते संभाल लेना, बाकी 17 को मैं अकेला ही काफ़ी हूँ।
तो बहरहाल ये उनका घमंड था, वो नहीं समझते थे कि फरिश्ते की हैयत ताकत का उन्हें अंदाजा नहीं था, एक फरिश्ता भी काफी है जो है जहन्नुम के लोगों को अजाब देने के लिए। अच्छा, जन्नत के जो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला जन्नत की खिदमत के लिए फिर फरिश्तों को मुकर्रर फरमाएगा जो जन्नतियों को आते जाते जो है सलाम भी करेंगे, जिसका ज़िक्र भी कुरान करीम में मौजूद है कि सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़्बद्दार, और फिर वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाबिन सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़्बद्दार, तो वो सलाम कहेंगे उन्हें। इसी तरह और कुरान की आयात में भी ज़िक्र है मलाइका का, और फिर इसी इन्हीं अल्फाज में है वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दखुलूहा खालिदीन, तो वो जो जन्नत के फरिश्ते होंगे वो उन पर सलाम पढ़ेंगे जब वो जन्नत में दाखिल होंगे। अच्छा, फिर हवाओं के फरिश्तों से मुताल्लिक हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को बारिश बरसाने, नबातात उगाने और ज़मीन में रिस्क पैदा करने के लिए मामूर किया गया है, और उनके साथ कुछ मददगार फरिश्ते भी हैं। ये रहमत के फरिश्ते हवाओं और बादलों को चलाते हैं जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है। इन्हीं फरिश्तों में से एक वो हैं जिसे बादलों पर मुकर्रर किया गया है, जिनको रात कहते हैं, जिसके बारे में बड़ी तफसील से अगेन फरिश्ता सीरीज़ में मैं आपको तफसीलात दे चुका हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों में से रात एक ऐसा फरिश्ता है जिसे बादलों पर मुकर्रर किया गया है। सुनन तिर्मिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों में से रात एक ऐसा फरिश्ता है जिसे बादलों पर मुकर्रर किया गया है, इसके पास आग के कोड़े हैं जिनके साथ वो बादलों को वहाँ चलाता है जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत दर्जा सही की रिवायत है। इसी तरह अजाब के फरिश्ते हैं, कुछ फरिश्तों को मुनकरीन खुदा पर अजाब नाजिल करने के लिए भी मामूल किया गया है, जिस तरह सूरतुल अलक में भी आता है कि वो जो है ऐसे पकड़ेंगे ना पेशानी के बालों से, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई तुम भी बुला लो अपने मददगारों को, और फिर यहाँ से फरिश्ते आएंगे और फिर तुम्हें पेशानी के बालों से घसीटते हुए लेके जाएंगे, और फिर मलाइका जो है कौम समूद की तरफ, कौम आद की तरफ, कौम लूत की तरफ, कौम शुएब की तरफ, कौम नूह की तरफ, फिर आले फिरौन की तरफ, फिर फरिश्ते आए और अजाब दिया। फिर कब्र के फरिश्ते मुनकर नकीर का भी जिक्र हमें मिलता है, यानी कब्र यानी बरज़ख के लिए जो मैं जो आके सवाल जवाब करते हैं उसका, उसके अंदर भी हमें तफसीलात मिल जाती हैं कि कौन से सवाल होंगे, कितने सवाल होंगे, क्या सवाल होंगे। फिर कब्र के अजाब पे मामूर फरिश्ते हैं, फवकाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू वहाका बिआलि फिरऔन सूउल अज़ाब, तो बहरहाल फिरौन और उसकी आल को अजाब होता रहेगा यहाँ तक कि क़्यामत तक। और अन्नार युअरदून अलैहा गुदुवन वअशिया ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب, तो इनको पहले भी अजाब होता रहेगा और फिर जब क़्यामत आएगी तो उसके बाद फिर इन्हें और बड़े अजाब की तरफ लेके जाया जाएगा। तो बड़े अजाब से पहले जो छोटा अजाब है वो अजाब कब्र है जो आलम बरज़ख में उन्हें हो रहा है। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मैयत को कब्र में रखा जाता है तो इसके पास सिया रंग के नीली आँखों वाले दो फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो दोनों मैयत से पूछते हैं, तो उसके तमाम सवालात जो हैं वो मैं आपसे बाज़ाब्ता जिक्र कर चुका हूँ पहले, अगेन इख्तिसार कर रहा हूँ उन चीज़ों पर जो पहले बड़ी तफसील से आ चुकी हैं। इसी तरह आमाल लिखने वाले किरामन कातिबीन का भी जिक्र हमें मिलता है, वह इन अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, तो ये दो फरिश्ते हैं जो मामूर हैं इस चीज़ पर कि लोगों के आमाल लिखे जाएँ। अच्छा, अब ये दाएं बाएं हैं, इसका भी सबूत कुरान में ही मिलता है, जैसा कि इरशाद होता है कि इذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, यानी एक दाएं हैं एक बाएं हैं, जो कुछ तुम कहते हो जो कुछ तुम कहते हो वो लिख लेते हैं। तो बहरहाल बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि दाईं जानिब के फरिश्ता जो है वो नेकियां और बाईं वाला जो है वो बुराइयां लिखता है। अच्छा, एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गुनाहगार मुसलमान कोई गलती करता है तो बाईं जाने वाला फरिश्ता 6 सातें रुका रहता है, अगर इस दौरान बंदा इस्तग़फ़ार कर ले तो फरिश्ता इसकी गलती नज़रअंदाज कर लेता है, और अगर ऐसा ना करे तो फिर एक बुराई का एक गुनाह लिख लेता है, जबकि नेकियाँ लिखने वाला फरिश्ता जो बुराइयों वाले फरिश्ते पर निगहबान होता है, एक नेकी पर 10 नेकियों का सवाब लिखता है। तो तफसीर कुर्तुबी में ये रिवायत आती है, पहले भी जिक्र किया आपसे। अच्छा, फिर फरिश्ते इंसानों के दिलों में खैर भी डालते हैं, इस ज़मन में भी जो है हमें मालूम चलता है कि ऐसा भी मामला है। अच्छा, फिर
محافظ فرشتے بھی ہیں, جیسا کہ سورۃ الرعد میں آتا ہے کہ پھر باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے اور ایک فرشتہ ہے جس نے تمہاری پیشانی کو پکڑا ہوا ہے, اور جب تم اللہ کے لیے توازو کرتے ہو تو وہ تمہیں سر بلند کرتا ہے, اور جب تم اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہو تو وہ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے. اور دو فرشتے تمہارے ہونٹوں پر ہیں, وہ تمہارے لیے صرف محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے, وہ تمہارے منہ میں سانپ کو داخل ہونے نہیں دیتا. اور دو فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہیں, ہر آدمی پر یہ 10 فرشتے مقرر ہیں. رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں, ہر آدمی پر یہ 20 فرشتے مقرر ہیں. اور ابلیس دن میں ہوتا ہے اور اس کی اولاد رات میں ہوتی ہے. تو جامع البیان میں, تفسیر ابن کثیر میں, پھر اسی طرح طبری بھی سے روایت کرتے ہیں. اچھا, مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض لوگ کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, بہرحال حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند اور بیداری میں اس کی جنات, انسانوں اور حشرات الارض سے حفاظت کرتا ہے, سوائے اس چیز کے جو اللہ کے اذن سے اس کو کوئی تکلیف پہنچائے. تو جامع البیان میں یہ قول بھی آتا ہے. اچھا, یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں, بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, بھائی اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے, پھر فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ تو بہرحال جو جب ہم اللہ کا یہاں ذکر کرتے ہیں تو وہ اچھی, زیادہ بہتر مجلسوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے, اس کو سب خبر ہے, اس نے ان لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, انہوں نے چیزیں کلیکٹ کرنی اور پھر واپس جا کر بتانا ہے, تو وہ ایک رپورٹنگ سسٹم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, وہ ان کی رپورٹنگ کا محتاج نہیں ہے, معاذ اللہ. اچھا, اسی طرح فرشتوں کے بارے میں اور دیگر مخلوقات کے بارے میں ہمارے پاس جامع الصغیر میں ایک صحیح روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب سورج یہ طلوع ہو کر بلند ہوتا ہے نا, تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید نہ بیان کرتی ہو, سوائے شیطانوں اور غافل انسانوں کے. اب ایک آدھ دو آخری باتیں کرتا ہوں, پھر درس بھی آلموسٹ آدھے گھنٹے سے زائد کا ہو گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے, یعنی ماں کی کوکھ پر, جو کہتا ہے کہ اے رب یہ نطفہ قرار پا گیا ہے, اے رب اب یہ علقہ بن گیا ہے, اے رب اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا. جب یہ پروسیس سے گزرتا ہے نا, پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کر دے, تو وہ پوچھتا ہے کہ اے رب یہ لڑکا ہے یا لڑکی, نیک ہے یا برا, اس کی روزی کتنی ہوگی, اس کی موت کب ہوگی. اسی طرح یہ ساری باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو بہرحال فرشتوں سے متعلق مختصراً بہت ساری معلومات آج کے اس درس میں میں نے رکھی. ایک سوال آیا تھا کہ فرشتوں سے متعلق بھی بات کریں, تو ویسے تو پوری پلے لسٹ موجود ہے اور اس پر کام جاری ہے. انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات پھر کبھی آپ کے سامنے دوبارہ سٹارٹ کریں گے, تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی آج کل ایک اور تحقیق کر رہا ہوں میں, جس میں ہندوستان اور یورپ کا جو لوگوں کا لنک ہے, پہلے بھی میں نے آپ سے ایک تحقیق شیئر کی تھی اس زمن میں کہ یہ ہندو کہاں سے آئے, اور وہ چینل پر کافی پاپولر بھی ہوئی, اور آج کل جو ایک بڑا شور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے لوگ نکل کے یورپ گئے, اور اس کا اس میں رد ہے, جو بیسکلی ایک ریسرچ ہوئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں اور مختلف اور یونیورسٹیز میں, جس میں اس کو پروف کیا گیا ہے ڈی این اے کے تھرو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, ہندوستان سے لوگ نکل کے دنیا میں نہیں پھیلے بلکہ باہر سے لوگ ہندوستان آئے. تو اسی طرح ایک تحقیق اس زمین میں میں آج کل یہ کر رہا ہوں, جو ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں کہ یورپ میں لوگ کیسے پھیلے اور کہاں کہاں سے آئے اور کب کب آئے. یہ جو 45,000 ایئرس کے لکھ بک جو یورپ میں تاریخ ہے انسان کی, اس میں کہاں کہاں سے امیگریشنز ہوئیں, اور پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یورپین لینگویجز اور سنسکرت کے اندر یہ جو کچھ آپ کو مواصلت نظر آتی ہے, اسی کو بیس بنا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہندوستان سے لوگ وہاں گئے, جو کہ ایک بالکل ہی غلط مفروضہ ہے جس کی بڑی تردید ہوئی ہے انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوشنس میں. لیکن افسوس افسوس ان لوگوں کا جو
झूठ बोलने से बाज नहीं आते, हालांकि रिसर्च इसके बिल्कुल मनाफी है कि हिंदुस्तान से लोग दुनिया में नहीं फैले बल्कि बाहर से लोग यहाँ आए हैं। और फिर यहाँ पर जो लोग आए थे कि साउथ इंडियंस हैं, वो अफ्रीका से आए थे और वो भी कोई 60,000-65,000 साल पहले। एनीवे, उस पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ ड्रेविडियंस की हिस्ट्री में। तो जब ये तहकीक मुकम्मल होगी, इसके बाज़े चीज़ों पर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, तो जब वो तहकीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला तो फिर आपके सामने उसको रखूँगा। और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आएँ तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक मिल सकें, आप तक पहुंच सकें। और प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको कई 100 प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी, कोई 5,500 के करीब दुरूस अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। तो बहरहाल आप अगर नए आए हैं तो आप उनको ब्राउज कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपकी सहूलत के लिए WhatsApp का ग्रुप भी बना हुआ है और Telegram का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।